प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और शुभ संदेश देश के नाम दिया है। एक बार फिर से वैज्ञानिकों को याद किया, रिसर्चर्स को याद किया और कहा कि ऋषि की तरह तपस्या की है तब जाकर वैक्सीन तैयार हो पाई। बाकी कई देशों को पीछे छोड़ा है भारत ने। दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन जिनको आज लगाया जाएगा टीकाकरण के जरिए। टीके के बाद भी सफाई, दूरी, दो गज की दूरी बहुत जरूरी, एक बार फिर से दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है और अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। अब एक एक करके तमाम उन हेल्थ वर्कर्स को, साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हो जाएगा और जैसा कि पहले से निश्चित था 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी को एक बार फिर से साझा किया। देश भर में तैयारी है, 3006 सेंटर्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभ संदेश दिया और अब शुभ शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, बोलते बोलते भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस पल को याद कर रहे थे जब उन्होंने लॉकडाउन डलाया, उस पल को याद कर रहे थे जब पहला कोविड केस भारत में पाया गया था, उस पल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया जब पीपी किट्स भारत के पास नहीं थी, सिर्फ एक टेस्टिंग लैब्स होती थी और उसके बाद यह भी बताया कि कैसे भारत आत्मनिर्भर हुआ और बिना देशों का नाम लिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे चाहे पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे टेस्टिंग मशीन हो, वो सब विदेश में ही भेजा गया। तो कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे वो पल था जो आप कह सकते हैं आदमी को बिल्कुल मजबूर कर देता था, वो बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। बताया कि कैसे संतान अस्पताल में थी, मां बाप दूर थे, ये भी कहा कई लोग ऐसे थे जिनको अंतिम विदाई यानी मरने के बाद जिस तरीके से रिचुअल्स होते हैं वो नहीं हो पाए। ये सब बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। साथ ही साथ ये भी कहा कि टीकाकरण की शुरुआत जरूर हो रही है, सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन टीके के बाद आज एक नया मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि टीका भी और कड़ाई भी, यानी टीका लगने के बाद आपको उसके बाद भी साफ सफाई रखनी है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है। वॉलंटियर्स का धन्यवाद किया, जितने हेल्पलाइन वर्कर्स थे उनका उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि इस पूरे साल जिस तरीके से ये पूरा समय निकला है, गृह मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सब ने काम किया। बताया कैसे मॉनिटरिंग सिस्टम सेट किया गया, कैसे वॉर रूम गृह मंत्रालय ने बताया, कैसे लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया और समय समय पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का, आप कह सकते हैं जो एक एक भाव था उसको समझा, बातचीत करी, ये सब प्रधानमंत्री ने बताया। तो अगर ये कहा जाए कि एक शोरील 30 जनवरी से लेकर आज तक की प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण के अभियान से पहले बताई तो ये कहना गलत नहीं होगा।